फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। मेरा लाइक आप बोल रहे हैं क्रिकेट टीजर आउट हो रहा है एंड सिंघम अगेन का टीजर आउट हो रहा है, बहुत बड़ा क्लैश है, आप ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड हो? द टीजर अनाउंस हो रहा है या फिल्म रिलीज हो रही है? टीजर रिलीज हो रहा है। आई थिंक कि अगर फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो सिंघम विल अट्रैक्ट मोर क्राउड, और भूल भुलैया 3 जो है वो अपने मीट पे, अपने कंटेंट पे जब आएगी तो वो ऑडियंस को खींच पाएगी। टीजर तो आई थिंक बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू आर गेटिंग अ मूवी विच इज़ मल्टी स्टारर, जिसके अंदर सारे टॉप स्टार हैं, लेकिन माने कैसे होंगे ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, फिर भी भूल भुलैया 3 वी हैव हैड इनफ ऑफ इट, अनलेस एंड अनटिल उसका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा एंड इट विल हैव समथिंग वेरी सब्सटैंशियल टू स्पीक। अब जैसे उसके अंदर अब भूल भुलैया 2 भी आपने देखिए क्या, भूल भुलैया 1 वॉज समथिंग यूनिक इन इट्स ओन टाइम, बट हाँ सिंघम इज अ ब्रांड वेयर आई फील अजय देवगन मेड इट टू बिग, बट नाउ विथ सो मेनी एक्टर्स ऑन बोर्ड, आई थिंक रणवीर भी है ना, तो रणवीर फॉर मी इट्स अजय देवगन एंड रणवीर विच वुड पुल मी टू अ थिएटर एंड इट वुड बी फॉर एनी वन, बट टाइगर श्रॉफ और साथ में अक्षय कुमार और जो ये जो प्लेटर है ये फ्राइडे सैटरडे संडे पूरा खींच लेगी। टीजर देखने के बाद बोल पाऊंगा ना मैं, अभी कैसे बोल सकता हूँ? आई थिंक मैंने बोल दिया, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड द क्वेश्चन। सिंघम अगेन एनी डे, एनी डे। थैंक यू। बोल रही है 3 आ रही है एंड देखो सिंघम अगेन, सो आप ज़्यादा किसके लिए एक्साइटेड हैं? ऑफ कोर्स सिंघम अगेन, हम लोग सब अजय देवगन के फैंस हैं और अजय हैं, अक्षय कुमार हैं, रणवीर सिंह हैं और टाइगर भी हैं शायद इस बार, और दीपिका भी हैं, तो ये तो एक मल्टी स्टारर, एक ऐसा लग रहा है एक थाली में सब कुछ सजा हुआ है तो सिर्फ खाना है, तो सिंघम अगेन इज ऑलवेज ऑन अ टॉप। देखिए भूल भुलैया फर्स्ट के तो हम लोग फैन थे जिसमें अक्षय जी थे, कार्तिक वाली जो फिल्म थी अनीस जी से जो एक उम्मीद थी वो उस उम्मीद पे हमारे लिए हिसाब से खरे नहीं उतरे, एक स्टोरी लाइन प्रॉपर होनी चाहिए इस फिल्म के अंदर, वो मुझे मिसिंग लगी भूल भुलैया 2 में, तो भूल भुलैया 3 में अगर वो अक्षय को लेकर आ रहे हैं बाय एनी चांस किस तरह से, तो डेफिनेटली उस फिल्म में भी हम लोग इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए। यार ऑडियंस का कुछ नहीं कह सकते कौन अच्छा करने वाला है, नोबडी नोज, बट अज्यूम करते हैं कि अगर दोनों फिल्में साथ में रिलीज होंगी तो डेफिनेटली सिंघम अगेन, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्टर्स हैं और एक रोहित शेट्टी का सिनेमा है, उस सिनेमा को लोग लार्जर देन लाइफ पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली, और अभी इन दिनों हॉरर कॉमेडी का एक ट्रेंड सा चला है, तो मुझे नहीं लगता कि भूल भुलैया 3 को वो मिलेगा, वो टीजर के बाद ही मैं बता पाऊंगा, अभी तो नहीं बता सकता, टीजर आने के बाद ये बता सकता हूँ कि कौन सा फिल्म कितना बिजनेस करेगी, एक अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ, बट ये नहीं बता सकता कि अभी कि कौन सी फिल्म ज़्यादा चलेगी, पर मेरा जो प्लस मार्किंग है वो सिंघम 3 के लिए है। सिंघम सिंघम मारेगी ही, मोर एक्टर हैं, मतलब क्यों नहीं मारेगी बाजी, उसका एक सिनेमा है जिसमें लोग पब्लिक जब उस थिएटर में जाती है तो अपनी सारी टेंशन्स को छोड़कर एक एंटरटेन करने के लिए जाती है, तो वो एंटरटेनमेंट सिंघम से ज़्यादा मिलेगा ऑफ कोर्स, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भूल भुलैया 3 से नहीं मिलेगा, पर वो टीज़र देखने के बाद ही डिसाइड होगा कि क्या है होने वाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हाँ सिंघम के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि सिंघम लाइक अब थोड़ा लार्जर देन लाइफ फिल्म है, मज़ा आता है देखकर, थोड़ा एंटरटेनिंग होना चाहिए, और भूल भुलैया क्या है कि अभी बोरिंग हो गया है, एक ही लोकेशन सेम लोकेशन वही यूज़ करे जा रहा है, तो फिर वो अभी जैसे स्त्री आ गई अभी फिर से कौन देखने जाएगा, वही सेम रिपीटेड, तो मेरे लिए तो सिंघम ही जी बिल्कुल। अगर शायद अक्षय कुमार भूल भुलैया में वापस से आते तो मैं भी हो सकता था, क्योंकि वो जो पहला पार्ट था अल्टीमेट था। आपको तो ऑडियंस के हिसाब से ज़्यादा अच्छा कौन मूवी करेगा? मेरे हिसाब से तो सिंघम ही करनी चाहिए। अगर आपको अगर क्लैश होने वाला है इस दिवाली में दोनों फिल्म का, अगर टीजर के बाद अगर मूवी देखने का चांस मिला तो कौन? मैं सिंघम ऑब्वियस। थैंक यू सो मच सर। वेलकम दोनों के लिए एक्साइटेड, बट
मुझे भूल भुलैया 3 के लिए थोड़ा मैं ज़्यादा एक्शन मुझे भी पसंद है सिंघम 3 का, तो वो चांसेस रखूँगा मैं दोनों देखने के लिए। दोनों का चांस रखोगे क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सिंघम की बात करूँ तो मल्टी स्टार मूवी रहने, रणवीर सिंह है, दीपिका पादुकोण है, तो क्या लग रहा है कि तृप्ति दिमरी, विद्या बालन, कार्तिक टिक पाएंगे इनके आगे? हाँ ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बॉलीवुड दोनों एक साथ टिकते ही हैं, अगर ज़्यादा टिकट बिकेगी तो दोनों को बिकेगा, अगर नहीं बिकेगी तो एक की बिकती है। अगर आपके ओपनिंग की बात करूँ तो अगर आपको कोई एक मूवी देखने का चांस मिले, क्योंकि दिवाली को दोनों मूवी साथ में रिलीज होना है, हाँ हाँ, तो आप कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे पहले? पहले तो मैं एक्शन, क्योंकि मुझे एक्शन फिल्में मुझे पसंद है, तो मैं सिंघम 3 को मैं चूज करूँगा, फिर उसके बाद फिर कॉमेडी के लिए जाता हूँ तो भूल भुलैया 3 ऑफकोर्स। अब दोनों दोनों जरूर ऑफकोर्स कि मैं दोनों एक दिन दोनों देखूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने मूवी देखी थी, दोनों एक साथ मूवी देखी थी, एक हो गया था सन ऑफ सरदार 2 और एक जो एक और आई थी टाइगर जिंदल सैडिस्टोस, वो मैंने देखे थे। तो अगर बॉक्स ऑफिस पे लगे ज़्यादा कमाई कौन सी मूवी कर रही है आपके हिसाब से, ज़्यादा कमाई कौन सी कर रही है? भूल भुलैया 3 कर लेगी, ज़्यादा कमाई करेगी सिंघम अगेन। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुजीत चौहान। सो सुजीत सर, आप देखो भूल भुलैया टिकट टीजर आ रहा है 6 को सिंघम अगेन का, तो आप ज़्यादा किसके लिए एक्साइटेड? मैं एक्साइटेड दोनों के लिए हूँ, भूल भुलैया से पहले से ही हूँ, और सिंघम भी अच्छी आ रही है, एक्शन है, मज़ा आएगा उसमें। आपको क्या लग रहा है दोनों में से ज़्यादा, मतलब अगर आपको चांस मिले तो एक मूवी पहले देखने का? भाई मैं दोनों देखूंगा यार, दोनों देखना पसंद करूंगा। अब पहले कौन सी देखूंगा ये नहीं बोल सकता, दोनों देखना पसंद करूंगा। क्या, क्योंकि अगर बात करूँ बोलने की तो उसमें इस बार नए देखने वाले कार्तिक आर्यन देखते हुए विद्या बालन का कम बैक हुआ है, और सिंघम अगेन की बात करो तो वहाँ पे बहुत नए नए स्टार्स हैं, मतलब बहुत सारे मेन बड़े बड़े स्टार्स हैं, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, राजे देवगन खुद हैं, क्या लगता है ज़्यादा अच्छा कौन सी मूवी करेगी? विद्या बालन अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा करेगी वो, काफ़ी टाइम बाद उसकी मूवी आ रही है, अच्छा करने वाली है, और सिंघम भी देखेंगे, रोहित शेट्टी का एक्शन है, सभी लोग हैं सिंघम में, मज़ा आएगा उसमें। ज़्यादा अच्छी आपको क्या लग रहा है कमाई कौन सी ज़्यादा अच्छी मूवी करने वाली? कमाई अब ऑडियंस के ऊपर है, कौन ज़्यादा देख रहा है, कौन सी देख रहा है, ये हम नहीं बता सकते। आप भी ऑडियंस में से एक हो तो आप? मैं तो दोनों देखूंगा, दोनों देखना, हाँ दोनों को सपोर्ट कर रहा हूँ, दोनों को एक्साइटेड है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। सॉरी सर, वेलकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवेंद्र है। सो सर, 6 तारीख को भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ रहा है एंड 7 तारीख को सिंघम अगेन का ट्रेलर आ रहा है, तो आप किसके लिए एक्साइटेड हैं ज़्यादा? मेरे ख्याल से सिंघम का टाइम थोड़ा सा चला गया है अभी, एक टाइम था जब सिंघम जैसी फिल्मों के लिए लोग एक्साइटेड रहते थे, और अभी हॉरर कॉमेडी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और हम लोग जैसे विस्तृत 2 भी आई थी तो बहुत इंजॉय किया लोगों ने, और हम लोग भूल भुलैया के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है। तो कहीं ना कहीं बात करो भूल भुलैया 3 में दिल्ली धीरे कार्तिक आर्यन और विद्या बालन वापस आएंगे, और दोनों ही बात करो सिंघम अगेन के तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं उसमें, टाइगर श्रॉफ है, रणवीर सिंह है, एंड दीपिका पादुकोण भी आने वाली है, अक्षय कुमार है, राजे देवगन खुद है, तो क्या लग रहा है ज़्यादा अच्छा कौन करेगी मूवी? अब मूवी का पता नहीं कौन सा अच्छा करे, मतलब बड़े स्टार हैं तो ऑफकोर्स लोग स्टार्स को देखने जाते हैं क्योंकि उनका एक चार्म होता है, बट मेरे हिसाब से जॉनर अभी जो है जैसे होता है ना एक मूड होता है लोगों का देखने का, एक टाइम होता है कि कई बार लोग एक्शन पसंद करते हैं, कई बार एंग्री यंग मैन पसंद करते हैं, कई बार चार्म रोमांस पसंद करते हैं, तो ये जो टाइम है उसमें भूल भुलैया का मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लॉन्ग ओपनिंग हो सकता है कि शायद सिंघम करे ज़्यादा बड़ा, बट लॉन्ग रन में मुझे लगता है कि भूल भुलैया ज़्यादा अच्छा करेगा। ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पे भूल भुलैया 3 ज़्यादा अच्छा कर रही है, मुझे लग रहा है कि भूल भुलैया ज़्यादा अच्छा कर रही है। अगर आपको मौका मिले, क्योंकि दिवाली पे दोनों मूवी साथ में रिलीज होने वाली है, हाँ आपको मौका, फर्स्ट मौका भूल भुलैया देखना पसंद है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बात करूँ 6 तारीख को भूल भुलैया 3 आ रही है, ट्रेलर आ रहा है, 7 तारीख को सिंघम अगेन का ट्रेलर आ रहा है, जी ज़्यादा किसके लिए एक्साइटेड है? क्योंकि इसमें इस बार न्यू एडिशन भी है, यू नो पहले की जो भूल भुलैया थी वो जितनी, मतलब उसने काफ़ी अच्छा एक माहौल बनाया था, तो आई थिंक नॉट ओनली मी बट आई थिंक एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर भूल भुलैया, क्योंकि सिंघम अगेन की बात करें तो काफ़ी बड़ी कास्ट है, काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है, हाँ अजय देवगन खुद हैं, उसका दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह है, तो क्या लगता है कि क्या वो बाजी मार ले जाएगी ऊपर? लेकिन आई थिंक जो जॉनरा है भूल भुलैया का, हॉरर और थोड़ा सस्पेंस थ्रिलर, वो आई थिंक हमेशा बाजी मार लेता है दूसरे जॉनर्स के मुकाबले, तो आई थिंक भूल भुलैया ही आई थिंक टॉप पे रहेगी, क्योंकि दिवाली का मूवी साथ में क्लैश, अभी ट्रेलर तो 7 को 6 को आ रहा है, और बात करूँ रिलीज की मूवी की तो 7 दिवाली को 1 नवंबर को दोनों क्लैश होने वाली है मूवी, अगर आपको मौका मिले आप कौन सी मूवी पहले देखना पसंद करोगे? पहले तो भूल भुलैया ही देखूंगा मैं। रीज़न वही है कि जो हॉरर और सस्पेंस जो जॉनरा है बेसिकली, वो अपने आप में एक एक्साइट करता है ऑडियंस को, और मुझे भी करता है।
लाइक लास्टली अगर ओवरऑल कलेक्शन की बात करूँ, लाइफ टाइम जो लॉन्ग लास्ट बॉक्स ऑफिस रहने वाला है, उसमें कौन ऊपर जाता है वो दिखाई दे रहा है आपको? मुझे लगता है कि दोनों का टाई रहने वाला है इस बार। टाई रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भूलभुलैया जो है वो भी अपने आप में एक बड़ा सिक्वेल है। ओके okay, और उसका एक बड़ा यू नो एक प्रोडक्शन हाउस भी बड़े हैं, तो अपनी एड़ी चोटी का जोर दोनों लगाने वाले हैं मार्केटिंग में भी, और नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स भी दे वुड यू नो ट्राई टू गेट मोर नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स। ओके, तो आई थिंक दोनों में टाई होने वाला है मैं जहाँ तक देख रहा हूँ। देखिए भूल भुलैया में आमी जो तुम्हार जो वो जो गाना है वो तो हिस्ट्री बन चुका है, और आई थिंक वो टाइमलेस सॉन्ग की लिस्ट में जा चुका है आज। ओके, तो भूल भुलैया म्यूज़िक के बारे में अगर कहें तो भूल भुलैया ही मुझे मेरी आंखों के सामने ऐसा लगता है कि वो अगेन इट्स गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।